अच्छा, जब हम पढ़े तीसरा जो है जो रिलेशन है वो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। हमने मास मास रिलेशनशिप पढ़ा, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ा, अब क्या पढ़े वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्टिव साइड पे हमको वॉल्यूम दी जाएगा, पोर्ट साइड पे वॉल्यूम निकालना होगा, या पोर्ट साइड पे वॉल्यूम दिया जाएगा, रिएक्टिव साइड पे वॉल्यूम, दोनों साइडों पर हमें वॉल्यूम ही दिया जाएगा, वॉल्यूम ही निकालना होगा। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ गैसेज इन केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लुसिक के लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू लॉ, गैसेज रिएक्ट और आर प्रोड्यूस इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर बाय वॉल्यूम मेजर अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैसें जब भी आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनका जो रेशियो निकलता है वो क्या निकलता है, हमेशा हमेशा होल नंबर में निकलता है। कैसे बचला, मिसाल तौर पर देखो यहाँ पर गैसेज है, कितना है, टू होल, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पर 2.5 2.9 तो नहीं लिखा हुआ ना, टू क्या होल नंबर है, और 2.5 2.3 2.7 होल नंबर तो नहीं है। जब भी गैसें आप रिएक्ट, मीथेन गैस है यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है, तो वन है। हमेशा गैसें जब रिएक्ट करेंगी उनका जो रेशियो जो निकलेगा हमेशा वो क्या निकलेगा, होल नंबर पर 2 1। ठीक है, रेशियो उनका हमेशा होल नंबर में निकलेगा। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये आपने वन वॉल्यूम सी, अब ये बोला है इस इक्वेशन को देख के हम बात कर रहे हैं, सी एच फोर का वन वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है विथ टू वॉल्यूम ऑफ ओ टू। अब ये वन बोले, वन बोल रहे वन वॉल्यूम, वन है ना ये, और ये बोले टू वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन के मध्य रिएक्ट कर रहा है, टू फॉर्म वन वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइ, कार्बन डाइऑक्साइड वन वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है, एंड टू वॉल्यूम ऑफ वाटर गैस, वाटर गैस प्रोड्यूस कर रहा है। अब बोला एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वन मोल ऑफ अ गैस ऐसा वॉल्यूम को पता है, स्टैंडर्ड एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे किसी भी गैस के वन मोल का वॉल्यूम कितना होता है, फिक्स होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो हम इस लफ्ज़ में यूँ कह सकते हैं कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ, ये वन मोल है ना, ये वन मोल, ये कितना टू मोल है, ये वन मोल, ये टू मोल। ठीक है, वन मोल का मतलब इसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4। तो हम यूँ कह सकते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हम बोल सकते हैं 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ CH4 रिएक्ट कर रहा है 22.4 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा 44.8 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कर रहा है। उसके नतीजे में 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, और उसके नतीजे में 44.8 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है वाटर गैस का, वाटर गैस की सूरत में। ठीक है, तो अब वॉल्यूम रिलेशन में एग्जांपल देते, तो वॉल्यूम में क्या होता है कि आपको हर चीज़ वॉल्यूम में दी जाएगी, वॉल्यूम ही आपसे पूछा जाएगा। बोला कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NH3 रिक्वायर्ड टू पुट 100 डेसीमीटर ऑफ NO। अब ये आपको इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन में आपको ये बताना है, बोले कैलकुलेट द वॉल्यूम NH3 का वॉल्यूम बताना है। ठीक है, NH3 का वॉल्यूम आपको बताना है। ठीक है, बताना है, बोला NH3 कितना वॉल्यूम चाहिए होगा रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतने डेसीमीटर ऑफ NO, NO का कितने डेसीमीटर क्यूब प्रोड्यूस करना है, NO के 100 डेसीमीटर, ये क्या दिया हुआ, ये भी आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, बोला 100 डेसीमीटर क्यूब अगर आप NO प्रोड्यूस करवाना है तो NH3 कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, ये भी वॉल्यूम में दिया हुआ है आपको, और ये भी आपको वॉल्यूम ही निकालना है। बोला 100 डेसीमीटर क्यूब अगर ये आपको प्रोड्यूस करवाना हो NO, तो NH3 का कितना वॉल्यूम चाहिए, ये क्वेश्चन है आपके पास। आप पहले हम मोल के टर्म में बात कर रहे हैं, 4 मोल NO, ये बोला 4 मोल NO है, 4 मोल है NO, 6 मोल ऑफ वाटर, 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 4 मोल ऑफ NH3। ठीक है, ये बात समझ आ रही है, बोला 4 मोल ऑफ NO प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम 4 मोल ऑफ NH3, 4 मोल ऑफ NO प्रोड्यूस करने के लिए NH3 कितने मोल चाहिए, 4 मोल। ठीक है, समझ आ रही है बात, पूछ लिया, नहीं समझ में आती, यानी 4 मोल का मतलब क्या हुआ, 4 को 22.4 डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई करा देंगे, वन मोल में इतने डेसीमीटर क्यूब होते हैं तो 4 मोल में 4 को मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 को 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कराएंगे, NO आर प्रोड्यूस फ्रॉम 4 मोल ऑफ NH3, तो 1 मोल ऑफ NH3 में 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम इतना फिक्स होता है, तो 4 मोल का कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करा दिया गया 89.6 डेसीमीटर क्यूब NO प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम 89.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ NH3, दोनों साइड पर वॉल्यूम फिक्स आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इक्वेशन में इत्तेफाक से दोनों तरफ 4-4 इक्वल है। तो इतने डेसीमीटर क्यूब NO प्रोड्यूस करने के लिए इतने डेसीमीटर क्यूब NH3 चाहिए। ठीक है, इतने डेसीमीटर क्यूब NO प्रोड्यूस करने के लिए इतने 89.6 डेसीमीटर क्यूब NH3 चाहिए। तो 1 डेसीमीटर क्यूब NO प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिए होगा, तो दिस डिवाइड बाई दिस 89.6 डिवाइड बाई 89.6, और आपको 100 डेसीमीटर क्यूब अगर प्रोड्यूस कराना हो NO
क्या करेंगे, 99.6 डिवाइड बाई 99 मतलब 100 करा देंगे, एंगल सर्कल 100 है, यानी 100 डेसीमीटर क्यूब अगर आप एनओ प्रोड्यूस करवाना हो तो NH3 कितना चाहिए होगा, वो भी 100 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम चाहिए होगा। ये भी आपका वॉल्यूम, अगर 100 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम अगर एनओ प्रोड्यूस करवाना हो तो NH3 भी 100 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ही चाहिए होगा। दोनों साइड पर आपको वॉल्यूम दिया हुआ था, वॉल्यूम फाइंड करना था। समझ आ गई बात?